Hello friends, welcome back again to my channel Tech GK. और आज मैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ. ये प्रोडक्ट मैंने चाइना से मंगाया है, फिर से चाइना से. तो ये चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है ये है एक बाइसिकल लाइट. जी हाँ, ये एक बाइसिकल लाइट है. इसको आप अपने बाइसिकल में लगा के कहीं पे भी जा सकते हैं, ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं. अभी बाइसिकल लाइट दिखती कैसी ये है, क्या इसकी प्राइस क्या है, मैं सब आपको बताऊँगा. चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं फर्जी वाली, क्योंकि मैं इसको पहले ही खोल चुका हूँ. मैं पहले ही बता रहा हूँ ऑनेस्टली. अब पता नहीं लोगों को अनबॉक्स देखने में क्या मज़ा आता है या फिर ये ट्रेंड चला है, जो भी है. चलिए शुरू करते हैं इसको. कहाँ से होगा, अब देखिए मैंने इसे अनबॉक्स किया है. वैसे ये मैं बता दूँ आपको कि ये इस पैकिंग में आया था ये वाली पैकिंग थी, और ये पूरे अच्छी तरह से कवर्ड था. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें पैकिंग अच्छे से की नहीं. ये जो मैंने लाइट मंगाई है ये इसे मैंने बैंगलोर से ऑर्डर किया था प्रायोरिटी लाइन शिपिंग में. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. इसके अंदर हैं दो बैटरीज. अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में तो ये बैटरीज हैं 2000 mAh की एक बैटरी, दूसरी है 2000 mAh की, दूसरी भी है सेम 2000 mAh की. मतलब ये 4000 mAh की बैटरीज के साथ. और ये बैटरीज ऐसी वैसी नहीं है, ये रिचार्जेबल बैटरीज हैं. इसके अलावा इसमें है कि USB केबल, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, एवरेज है, ओके. और इसमें है मैनुअल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, ये है स्क्रू ड्राइवर, जो कि इसके स्क्रूज को खोलने के काम आएगा और इसमें सेल इंसर्ट करने के काम आएगा. लेकिन स्क्रू ड्राइवर इतना खास नहीं है क्योंकि खोलने में मुश्किल होती है थोड़ी. और आखिरी में हमें हमारा प्रोडक्ट, हमारी लाइट. ये है एक बाइसिकल लाइट है. आप देख सकते हैं इसको, इसका पूरा लुक देख सकते हैं. ये मेटेलिक फिनिश वाली लाइट है. इसमें यहाँ पर भी एक LED दी गई है, आगे दो LEDs दी गई हैं. और ये इसका बटन है. इसके कई सारे फीचर्स हैं, बहुत छुपी रुस्तम है ये. और इसके साथ, हाँ, और इसके साथ एक स्टैंड भी आया था लगाने के लिए, फ़िक्स करने के लिए, जो कि मैंने साइकिल में अपने लगा दिया है ऑलरेडी, इसलिए अभी नहीं है मेरे पास. तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशंस पे हाँ अगर हम गौर करें. जी हाँ, दिख रही हैं आपको, ठीक है. तो प्रोडक्ट के फीचर हैं यूजेस 2 T6 वाइट LED. तो ये T6 नाम से आ रही है, इसका नाम ही है T6. डबल लाइट लाइटिंग सिस्टम, दो लाइट्स हैं. थ्री काइंड्स ऑफ ब्राइटनेस रेंज हैं, मतलब कि अलग अलग ब्राइटनेस आपको अलग अलग उसमें, जैसे अगर आप बटन प्रेस करते हैं, एक बार करते हैं तो अलग रहता है, दूसरी बार कर सकते हैं तो दूसरा रहता है, लो रहती है, और तीसरी बार प्रेस करते हैं तो स्ट्रोब मोड रह जाता है. लैम्प होल्डर एंगल कैन बी एडजस्टेड. और इसका लैम्प होल्डर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये रहा आपका ये लैम्प होल्डर जो इस फोटो में दिख रहा है. मैं आपको फिर से दिखा दूंगा बाद में, नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास नहीं, साइकिल में मैंने लगा दिया, बार बार नहीं निकाल रहा मैं उसे. ईजी है इंस्टॉलेशन करना है, ऐसी बात नहीं है कि वो टफ है इंस्टॉलेशन, ईजी इंस्टॉलेशन करना है, ईजी है उसका. उसके बाद एल्यूमिनियम अलॉय एंड हाई क्वालिटी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग से, इसी बात है एल्यूमिनियम का इसमें अलॉय का यूज़ किया गया है. मीन्स एल्यूमिनियम की टॉर्च है, मेटालिक है. अभी ठंडी ठंडी लग रही है एकदम, क्योंकि मेटालिक है इसलिए अलग ही पता लग रहा है. इसमें देखिए मेन बॉडी है, कार क्लिप है, कार क्लिप नहीं है, ये वही है जो साइकिल में आपको, बाइसाइकिल में आपको लगानी है. फिर एक केबल है और एक 10 स्क्रू ड्राइवर है. दोस्तों ये 10 स्क्रू ड्राइवर है, ये थोड़ा अनईजी होता है खोलने के लिए, इसलिए मैंने अपना स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया है. तो चलिए इसमें इसकी और स्पेसिफिकेशंस में और ध्यान देते हैं, थोड़ा गौर करते हैं. 2 × T6 ब्राइटनेस हाईलाइट्स हैं इसकी. 500 in light 500, फ्लैशिंग वार्निंग 500, मतलब वार्निंग के लिए भी आपको 500 जो है इसमें दिया हुआ है. देखिए 500 लूमेंस द हाईएस्ट ब्राइटनेस 500 लूमेंस यहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में. मतलब तीनों टाइप की, हाईलाइट्स में, इन लाइट में और फ्लैशिंग वार्निंग में, तीन टाइप के मोड जो होते हैं इसमें. स्ट्रोब मोड भी बोलते हैं जिसको, फ्लैशिंग वार्निंग जो इसमें लिखा हुआ है. बैटरी लाइफ है 5 आवर, 10 आवर, और इसका अता पता लापता है. मतलब कि 5 आवर किस में चलेगी, दिख रहा है ना आपको सही से, हाँ अब दिखेगा, ओके. तो बैटरी लाइफ में अगर आप देखें तो
हाई लाइट में, मतलब एकदम फुल लाइट अगर आप रहेंगे एकदम चमचमाती हुई, तो 5 घंटे लेगी, मतलब 5 घंटे तक चलेगी आपकी टॉर्च, आपकी बैटरी लाइफ। अगर आप थोड़ी लो में रखते हैं तो 10 घंटे तक चलेगी, अगर ये स्ट्रोब बोर्ड में जब आती है। तो इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, तीनों में देखिए 500 लुमेंस ही है तीनों में। द नेट वेट 165 ग्राम, डू नॉट कंटेन बैटरीज, यूज द पावर सप्लाई टू सेक्शन ऑफ 2000 mAh 18650 लिथियम बैटरी द फैक्ट्री स्टैंडर्ड। ये आपको 18650 अगर आप कभी फ्यूचर में ख़राब हो जाती है, शायद लोकल स्टोर्स में मिल जाए, लोकल स्टोर्स वैसे नहीं किराने की दुकान, लोकल स्टोर्स वैसे जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट मिलते हों, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मिलती हों, रेडियो जो दुकानें होती हैं, रेडियोज़ की दुकानें होती हैं उस टाइप की। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 5.5 वोल्ट, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको जो नॉर्मल चार्जर है 1.5 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर से कम वाला चार्जर ही यूज़ करें, मैं तो कहूँगा 2 एम्पियर वाला ना करें चार्ज करने के लिए, 1 एम्पियर से कम वाला चार्जर ही यूज़ करें इसको चार्ज करने के लिए। बस USB इसमें लगाएं और आपका फ़ोन, वो सॉरी आपका ये जो बैटरी है वो चार्ज होने लगेगी। कॉब लाइटिंग मोड एंड कॉब टाइम चाहिए, कॉब लाइटिंग मोड मुझे भी नहीं पता रहा है क्या है, छोड़िए से मोड ऑफ ऑपरेशन। अब मोड ऑफ ऑपरेशन वो मैं आपको खुद बताऊंगा, चार्जिंग मोड वगैरह, रेड फ्लैश लाइट, देखिए चार्जिंग मोड आपको देखिए दिख जाएगा, चार्जिंग हो रही है तो रेड फ्लैश लाइट जलेगी, फुल ऑफ टाइम रेड लाइट इज ऑलवेज ब्राइट, अगर फुल ऑफ टाइम हो जाती है तो रेड लाइट इज ऑलवेज ब्राइट, रेड लाइट हमेशा जल्दी रहेगी। और आउटपुट ऑफ द ग्रीन लाइट, द आउटपुट ऑफ द ग्रीन लाइट होगा जब आउटपुट चलने, जब इसको हम चालू करेंगे तो ये ग्रीन लाइट का आउटपुट देगी, और लो बैटरी होगी तो ब्लू लाइट फ्लैशिंग। तो ये बहुत ही स्मार्ट लाइट है, ऐसी वैसी कोई लाइट नहीं है, ये बहुत ही अच्छी लाइट है और बहुत ही समझदार लाइट है। तो बाकी इसमें सब कुछ हैंडलिंग का दिया हुआ है, चलिए इसको छोड़िए। अब मैं आपको इसको खोल के बताता हूँ स्क्रू ड्राइवर से। सबसे पहले इसको पीछे से खोलते हैं, पीछे से खोलने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको दिख रहा है ना ये तो फोकस की बड़ी दिक्कत है। ये इसमें यहाँ पीछे ये इसका आगे का पोर्शन है, ये इसके पीछे का पोर्शन है, पीछे के पोर्शन में आपको एक USB पोर्ट और एक माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। माइक्रो USB पोर्ट आपको पता ही है चार्जिंग के लिए, लेकिन USB पोर्ट किस लिए है? USB पोर्ट है आपका फ़ोन चार्ज करने के लिए। जी हाँ, ये एक पावर बैंक की भी तरह यूज़ कर सकते हैं इसे, तो ये एक इसका और एक अच्छा बहुत बेहतरीन फीचर है। चलिए अब मैं इसको खोलता हूँ, उसके लिए मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये निकल गया। अब सीधे से जैसे सेल लगाते हैं घड़ी में, वैसे आप इसको दोनों को लगा दीजिए, इसको वापस अपनी जगह पे रख दीजिए, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको अपनी जगह पे रख दीजिए। कहाँ गया सेल? सेल नहीं, स्क्रू। ये मैंने इसको बंद किया, ये मैंने इसे भी बंद किया, और दिस इज द फाइनल वन। तो गाइस अब हमारी टॉर्च LED या फिर हम कहें बाइसिकल लाइट तैयार है पूरी तरह से अपने शो दिखाने के लिए, जलवे दिखाने के लिए। तो चलिए अब मैं लाइट बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके कारनामे। तो गाइज आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल अंधेरा है और मैं ये लाइट चलाता हूँ, ये देखिए, अरे फोकस हो जा, फोकस नाम की चीज़ होगी नहीं, आई न्यू दैट। ये देखिए ये अपनी लैपटॉप की शेडो बनाता हूँ इसमें, ये देखिए इसका फुल बर्स्ट मोड है। इस मोड में आपको मतलब कि फुल लाइट मिलेगी, फुल हाई लाइट मिलेगी, जो इसमें कि आपकी बैटरी कम चलेगी लेकिन आपको लाइट बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ इसमें आपको भले ही अच्छे से नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो लाइट है वो काफ़ी ब्राइट है, और रोड में जब आप इसका यूज़ करते हैं तब ये और भी ब्राइट दिखती है, मतलब कि मुकाबला करती है आपकी जो बाइक्स होती हैं, कार की नहीं, बाइक की जो हेडलाइट्स होती हैं उनकी तरह से भी मुकाबला करती है, इतनी तो ब्राइट है ही ये। तो गाइस मैंने इसकी पोजीशन अपने रूफ़ की तरफ कर दी है, इसका फेस अपने रूफ़ की तरफ कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे कमरे में काफ़ी लाइट है,
देखिए काफ़ी लाइट है, काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं आपको कैमरे में क्योंकि कैमरे में ज़्यादातर चीज़ें नहीं दिखती हैं कम लाइट में, या फिर बहुत ही डिस्टोर्टेड नज़र आती हैं, लेकिन इतनी लाइट तो है, इतनी भी लाइट नहीं है लेकिन है इतनी लाइट कि आप बैठ के तो कुछ अपना काम कर सकते हैं। अब तीसरी बार मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, इसका जो थर्ड मोड है वो है ये है थोड़ा सॉफ्ट मोड है ये, मतलब कि अगर आप कहीं जा रहे हैं इधर उधर और आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए तो आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो एंगल है, एंगल मैं आपको बता दूँ 150 डिग्री का पूरा एंगल ये कवर करती है। अब मैं इसका नेक्स्ट मोड आपको बताने वाला हूँ, ये है स्ट्रोब मोड। यस, आंखें ख़राब हो जाएंगी पूरी, दिन में तारे नज़र आ गए। चलिए स्ट्रोब मोड को नेक्स्ट करते हैं। जी हाँ, अब ये कौन सा मोड है, ये जो आगे आपको मैं बता रहा था ये भी एलईडी ही है, एलईडी है 500 लूमेंस की। क्या है ये? हाँ तो देखिए, अगर आप कमरे में बैठे हैं अपने या फिर आपकी लाइट चली जाती है तो ये इमरजेंसी लाइट के रूप में भी आपके काम आएगी, तो ये इस तरह से भी आपके काम आ सकती है। और दूसरी एक और बार मैं इसको बटन को प्रेस करता हूँ तो अब ये इसका जो ये सॉफ्ट मोड आ गया है, अब ये क्या है, अब इसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, सॉरी ल्यूमिनसिटी नहीं, इंटेंसिटी है वो कम हो चुकी है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करेंगे तो कम बैटरी जाएगी, हाई मोड का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बैटरी जाएगी, सिंपल सी बात है। और मतलब हाँ, सफिशियंट ब्राइटनेस हो जाती है इससे लो में भी। अब मैं आखिरी बार इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये हो गई है बंद। सो गाइस, ये जो टॉर्च है ये बहुत ही अच्छी टॉर्च है, बहुत ही अच्छी लाइट है, बहुत ही अच्छी हेडलाइट है, जो भी कह लीजिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस साइकिल के लिए इससे बेस्ट आपको शायद कोई नहीं मिलेगी। अगर आप इसको साइकिल में अपनी यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये टॉर्च मैंने मंगाई थी $17.48 के करीब बैंगगुड से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और हाँ, और इसके मैं और फीचर बता देता हूँ कि ये चार्ज कैसे होती है और ये दूसरे फोन को चार्ज कैसे करती है। तो देखिए, मेरे पास एक पावर बैंक है सिस्का का 20,000 mAh का। अब मैं इसको अनटाई करता हूँ केबल को, देखिए यहाँ से मैंने, देखिए ये 2 ampere वाला पोर्ट है, ये 1 ampere वाला पोर्ट है, तो मैं 1 ampere वाला में लगाऊंगा। अभी लाइट कितनी है, बैटरी अभी तो है। इसके बाद माइक्रो USB पोर्ट, देख लीजिए माइक्रो USB पोर्ट ही है। अब माइक्रो USB पोर्ट में इंसर्ट करना है, हाँ देखिए इस तरह से, नो नॉट वर्किंग, अरे नहीं चल रही है, ये देखिए अब इसमें रेड लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है, मतलब कि ये चार्ज हो रही है। और जब चार्ज आपका पूरा हो जाएगा तो भी इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आपको दिया हुआ है कि क्या होगा, द आउटपुट ऑफ द ग्रीन लाइट लो बैटरी फुल ऑफ टाइम द रेड लाइट ऑलवेज ब्राइट। जी हाँ, तो ये लाइट है वो लगातार जलती रहेगी अगर ये फुल चार्ज जब हो जाती है तो अब ये हमें इसको चार्ज नहीं करना है, तो हम इसको वापस निकाल देते हैं। हम इसमें अब करेंगे एक और टेस्ट कि ये फ़ोन को चार्ज कर पाती है या नहीं। हमारे पास है ये Redmi Note 3, इसमें भी जो कवर है वो मैंने मंगाया था चाइना से, AliExpress.com से, 250 का Redmi Note 3 का बैक कवर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या है, इसमें माइक्रो USB पोर्ट को कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इसका USB पोर्ट कनेक्ट करते हैं। ओ वाओ, दैट्स अमेजिंग, इसमें ग्रीन लाइट जल रही है और आपको यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अरे दे रहा है, अरे कहाँ बन रहा है फोकस, ये देखिए चार्ज होता दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे इसकी LED भी जल रही है, ब्लिंक कर रही है, तो सीधी सी बात है ये फ़ोन को भी चार्ज कर सकती है, भले ही बड़े फ़ोन को चार्ज नहीं कर सकते जिनमें 2 ampere तक की पावर लगती है, जैसे कि Redmi Note 3, Redmi Note 4 में उनको जल्दी चार्ज नहीं कर पाएगी, लेकिन बाकी जो छोटे वगैरह फ़ोन हैं, दूसरे फ़ोन्स हैं जिनमें कि 1 ampere और इससे कम वाले चार्जर्स का यूज़ होता है, उसके लिए ये सफिशियंट है, मतलब एक पावर बैंक की तरह ही काम करती है। सारी खूबियाँ तो हैं इसमें, अब इस टॉर्च में आपको और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, रहिए 90 खबर, देखते रहिए खास खबर।
अपने टीवी चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो गाइस इसके साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपको भी आगे भी मैं इस तरह की जानकारी देता रहूँगा, इस तरह के गैजेट्स आपके सामने पेश करता रहूँगा अलग अलग टाइप के, जो कि आपके फ्यूचर में काम आए और आप उनका सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएँ अगर आपके पास सही गैजेट है तो। अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं बैंगलोर से तो आप बेशक मंगा सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि फ्री डिलीवरी से कभी ना मत मंगाएं, हमेशा कोई ना कोई पेड डिलीवरी से मंगाएं। लेकिन वो जो पेड डिलीवरी होगी वो EMS एक्सप्रेस वाली नहीं होनी चाहिए, या तो वो रजिस्टर्ड एयरमेल होनी चाहिए क्योंकि आप उसको ईजिली ट्रैक कर सकते हैं, या तो प्रायोरिटी लाइन्स होनी चाहिए अगर वहाँ पर दी गई हैं, या तो उसमें एक और ऑप्शन होता है इंडिया डायरेक्ट मेल। जी हाँ, इंडिया डायरेक्ट मेल का, या तो आप उससे करा सकते हैं, वो बैंगलोर में ही ऑप्शन रहता है इंडिया डायरेक्ट मेल का। और बाकी जो गियर बेस्ट है अपनी, उसमें ऑप्शन रहता है प्रायोरिटी लाइंस का। तो ये देखिए जो मैं ये बात कर रहा हूँ, जो कहानी पढ़ रहा हूँ, ये जो शिपिंग मैथड्स होती हैं वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि शिपिंग मैथड आपकी बहुत काम की होती हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप कोई भी सामान मंगाएंगे वो जल्दी ही आएगा, क्योंकि ये देखिए मेरा जो प्रोडक्ट है ये 10 दिन के अंदर मुझे डिलीवर हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।